अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15, लास्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले तो मार्क करने के स्टूडेंट की लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपने देखा है कि स्टूडेंट के हमारे घरों के बाहर वो ब्लैक कलर के, ठीक है जी, ट्रांसफार्मर जो है लगे हुए होते हैं जिनमें मेन वायर्स जो हैं वो जा रही होती है और वहाँ से हमारे जो हाउसेज हैं या पावर स्टेशन हैं उनको बिजली जो है वो पहुँच रही होती है। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है, पावर लॉसेस जो हैं वो होते हैं या नहीं होते, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। तो आज हम डिटेल में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेवल। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को कम करती है या वोल्टेज को ज़्यादा करती है। पाकिस्तान में जो वोल्टेज हैं स्टूडेंट वो तकरीबन 220 वोल्टेज हैं, ठीक है जी, और जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो है 50 हर्ट्स पाकिस्तान में। ठीक है जी, तो ये भी आप अपने पास मार्क कर लें। तो प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? सिंपल, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो है, ये डिटेल में हमने एक लॉन्ग टॉपिक जो है वो डिस्कस किया, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, म्यूचुअल इंडक्शन में हमने ये पढ़ा कि अगर एक कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है सेकेंड कॉइल में। ठीक, एक को हम प्राइमरी कहते थे, एक को हम सेकेंडरी कहते थे। तो ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे ही वर्क करता है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट? सिंपल, टू कॉपर कॉइल्स दैट आर मैग्नेटिकली लिंक। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर जो है ये दो कॉपर कॉइल्स पे बेस करता है जो मैग्नेटिकली लिंक होती है। एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है? जो द कॉइल थ्रू विच AC पावर इज सप्लाइड। ठीक है जी, जहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल जो है वो अप्लाई किया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, और एक होती है जी सेकेंडरी कॉइल, द कॉइल थ्रू विच AC डिलीवर टू आउटपुट। ठीक है जी, वो कॉइल जिससे हम AC को डिलीवर करते हैं आउटपुट पर, उसे हम क्या कहते हैं जी? सेकेंडरी कॉइल। तो ये हमारे पास डायग्राम है ट्रांसफार्मर की। ठीक है जी, ये स्टूडेंट प्राइमरी कॉइल है जिस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी पर वो NP है और जो वोल्टेज है प्राइमरी पर वो VP है। ठीक है जी, ये करंट I है और ये हमारे पास AC सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, और इसमें आप देख रहे हैं कि करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो ये जो रेड कलर की हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो ब्लैक है यहाँ पर हमने लैमिनेटेड आयरन कोर यूज़ की हुई होती है पावर लॉसेस से बचने के लिए, ताकि पावर लॉसेस मिनिमम हो, एडी करंट लॉस मिनिमम हो, स्टेरेसिस लॉस मिनिमम हो। एंड में हम वो भी अभी इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्यों? खैर अभी हमने टाइप्स जो है वो डिटेल में डिस्कस करनी है। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि अगर सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स या वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, तो वो स्टेप अप है। ठीक है जी, और अगर प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न्स या वोल्टेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, तो वो स्टेप डाउन है। तो ये स्टेप अप के लिए है डायग्राम। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज़्यादा होती, इधर कम होती, तो फिर ये स्टेप डाउन होता है। ठीक, अभी हम इन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में ये दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी वर्किंग। स्टूडेंट देखें, द EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी में EMF कैसे इंड्यूस होगी? जैसे ही हम AC सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट में चेंज आएगा, वोल्टेज में चेंज आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करेगा। और बाय यूजिंग फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो प्राइमरी में इंड्यूस EMF होगी वो होगी EP इज इक्वल टू -MP डेल्टा फाइ ओवर डेल्टा टी। अब ये PP क्या है जी? प्राइमरी कॉइल के लिए। बट स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो अप्लाइड EMF होती है वो इक्वल एंड ओपोजिट होती है बैक EMF के। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होगा, हमने बैक EMF के लिए पढ़ा V इज इक्वल टू E प्लस IR।
तो प्राइमरी के लिए तो मैं लिख सकता हूँ VP इज इक्वल टू EP प्लस IR। अगर इस कॉयल की रेजिस्टेंस निगलिजिबली स्मॉल हो, बहुत ज़्यादा कम हो, मीन्स के ज़ीरो हो, तो ये फैक्टर जो है पूरा रेजिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो VP जो है ये EP के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, बट इसकी डायरेक्शन ओपोजिट है, इंड्यूस EMF अप्लाइड EMF को अपोज करेगी ड्यू टू लेंजेज लॉ। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं ना कि VP इज इक्वल टू EP, बट इसको अपोज करेगी तो साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये है EP, यहाँ पर है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव और ये बन जाएगा VP। तो इधर देखें VP इसी के ही बराबर होगी, बट साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो VP इज इक्वल टू NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सिमिलरली मैं सेकेंडरी कॉयल के लिए भी अप्लाइड वोल्टेज जो है VS वो लिख सकता हूँ, VS इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये है जी इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन टू। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को, जिसे हम टर्न्स रेशियो भी कहते हैं, ठीक। और ये मार्क कर लें कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये अक्सर आ जाता है, ठीक है जी। तो देखें अगर हम डिवाइड कर दें सेकंड को, ठीक है जी, वन पर, या वन को सेकंड पर, तो मेरे पास एक रेशियो आएगी जिसे हम क्या कहते हैं, टर्न्स रेशियो। तो इस केस में मैंने स्टूडेंट जो है फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड पर डिवाइड किया, तो देखें VS ओवर VP इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी ओवर NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, वो इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो देखें VS ओवर VP किसके बराबर आ गया, NS ओवर NP। तो VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VP, ठीक है जी, ओवर VS इज इक्वल टू NP ओवर NS। तो इसे हम कहते हैं जी ट्रांस रेशो या ट्रांसफार्मर, ठीक है जी, या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या इक्वेशन। तो अब देखें ये जो है VS ओवर VP, ये वोल्टेज की रेशो है। अगर ये वोल्टेज की रेशो है तो इसका यूनिट भी वोल्ट, इसका यूनिट भी वोल्ट, वोल्ट वोल्ट से कैंसिल हो गया। तो ये जो है जी हमारे पास यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसकी कोई डायमेंशन जो है वो नहीं होती। तो अब स्टूडेंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर जी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट सबसे पहले है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखें अ ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल से, उसे हम क्या कहते हैं जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अ ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, ठीक है जी। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है जी पावर जनरेटिंग स्टेशंस पर, ठीक है। अब पावर जनरेटिंग सिस्टम पर स्टूडेंट्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो जो वोल्टेज लेवल है उसको हम सेवरल थाउजेंड वोल्टेज तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है जी। जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी में वो लेस होंगे किस से, प्राइमरी से, मीन के प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे सेकेंडरी से, और वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल वो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो ये कंडीशंस याद रखनी है, पेपर में MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं। डायग्राम से आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी में ज़्यादा है स्टेप डाउन। ज़्यादातर हम इन्हें यूज़ करते हैं अपने हाउसेस में, ठीक है। और जो पाकिस्तान में मैंने बताया था कि वोल्टेज कितने हैं 220 वोल्ट, तो ये उनको स्टेप डाउन करके कितना कर देते हैं 9 वोल्ट, जो कि मोस्टली जी यूज़ होते हैं रिंगिंग बेल्स में, ठीक है, और अदर पर्पसेस के लिए। तो ये आप जो है वो मार्क कर लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट पावर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है जी। देखें दो तरह के जी हमारे पास
ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर और एक्चुअल या रियल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले तो ये सिंबल है जी ट्रांसफार्मर का, जो सिंबल अक्सर हम ड्रा करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम्स ड्रा करने के लिए, वो ये सिंबल ड्रा करते हैं। ठीक, तो अब आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा? फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर द इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर। इनपुट पावर होती है जी VP IP, ठीक है जी, और क्योंकि प्राइमरी के अक्रॉस है, और आउटपुट पावर होगी VS IS, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है P = VI। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि VP/VS इज इक्वल टू IS/IP, ठीक है जी, ओके। तो अब याद रखना है कि NS, ठीक है जी, NS और VS के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि NS VS का IS के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन मैं सबकी एक साथ लिखूं, तो हमने ये पढ़ा था ना NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, ठीक है, टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर इक्वेशन। अब VS/VP इसके मुताबिक आएगा IP/IS, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में, जबकि इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये पॉइंट आपने जो है जी वो याद रखना है, ओके। तो अब आप देखें कि अगर हमारे पास VP जो है वो ग्रेटर है, मींस के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो IP क्या होगा? कम होगा, ठीक। बट इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा तब होगा जब IS करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल कम हो। तो जो हमने पावर जनरेटिंग स्टेशन में, ठीक है जी, यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? स्टेप अप। तो स्टेप अप में होता क्या है, वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है, करंट कम होता है, करंट कम होने की वजह से पावर लॉस जो है वो कम होता है, ठीक है, मिनिमम पावर लॉस होता है, हीट जनरेट मिनिमम होती है, तो करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इजीली जो है वो पावर स्टेशन में ट्रांसफ़र जो है जी वो हो जाता है, और वोल्टेज लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है जी फॉर एक्चुअल ट्रांसफार्मर। अब एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक्चुअल ट्रांसफार्मर में याद रखना है इनपुट पावर ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट पावर, या ऐसे कह दें कि आउटपुट पावर ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर, मीन के 100% पावर डिलीवर नहीं होती अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पावर लॉसेस जो हैं वो होते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो डेसिपेट होती है। अब वो पावर लॉस जो हैं वो कौन से? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसमें दो किस्म के पावर लॉस हैं जी ट्रांसफार्मर में, पावर लॉस इन रियल ट्रांसफार्मर इन्हें हम कहते हैं, एक है जी एडी करंट लॉस और एक है हिस्टेरेसिस लॉस। सबसे पहले है जी एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? देखें, जब हम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में स्टूडेंट प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करते हैं, ठीक, AC सप्लाई करते हैं, तो चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है, और अगर हमारा जो लूप है वो क्लोज है तो इंड्यूस EMF की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, और इंड्यूस करंट जो है वो अप्लाइड, ठीक है जी, वोल्टेज सोर्स का करंट को अपोज करता है। जब वो अपोज करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो जो हमारे पास लॉस होता है उसे हम कहते हैं एडी करंट लॉस। ये किसकी वजह से होता है? इंड्यूस करंट की वजह से। सवाल ये पैदा होता है इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेशन बिटवीन लैमिनेशन शीट्स। याद होगा आपको जब मैंने ट्रांसफार्मर की डायग्राम बनाई थी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जी वो पास कर रही थी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की आपको बताया था कि जी यहाँ पर आयरन कोर जो है अक्सर हम रखते हैं, और ये जो लैमिनेटेड कोर हैं इन्हें हमने इंसुलेट किया हुआ होता है शीट्स के थ्रू, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे को कंडक्ट जो है ना करें, पावर लॉस जो है वो मिनिमम हो, करंट कम होगा तो वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगा बाय यूजिंग पावर रिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है जी? देखें, AC का एक साइकिल है पॉजिटिव, एक कौन सा है? नेगेटिव।
पॉजिटिव आया मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइज हुआ, नेगेटिव आया डीमैग्नेटाइज, यानी कि रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन होती है, डीमैग्नेटाइजेशन होती है एसी की वजह से, तो वहाँ पर भी जो है पावर लॉस होती है। तो उससे रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आयरन ही क्यों यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर आयरन ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज आयरन इज़ अ गुड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है जी, आयरन जो है ये गुड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, और हम ये फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक, लास्ट है जी हमारे पास हेडिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। अब देखिए, हमने कहा कि रियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर जो है वो कम होती है इनपुट पावर में, पावर लॉस होता है इन दो लॉसेस की वजह से। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय इनपुट पावर अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे हम कहते हैं जी एफिशिएंसी। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।